अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज अनम एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास सिक्स पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मुगल एम्पायर के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कि मुगल अम्पायर का एंड कैसे हुआ था तो चलिए शुरू करते हैं द मुगल अम्पायर एट इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर औरंगजेब मुगल अम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट यानी औरंगजेब के दौरे हकूमत में मुगल अम्पायर दूर दूर तक फैला उसने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया और वो सब कुछ मुगल एम्पायर के अंडर आ गया जिसकी वजह से मुगल एम्पायर दूर दूर तक फैला फ्रॉम काबुल इन द नॉर्थ वेस्ट टू गैंग डेल्टा इन द ईस्ट फ्रॉम कराकुर to the टू River basin in the south. आपको ये सारी लोकेशन समझने में शायद थोड़ी मुश्किल होगी इसलिए आपकी स्क्रीन पर ये जो मैप नजर आ रहा है आप ये देख लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ लग जाएगी वैसे गैंगीज डेल्टा इज ऑल्सो कॉल्ड एज गंगा जिसका आप अक्सर नाम सुनते होंगे थर्टी ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस वॉर है अम्पायर अब अगर कहीं मुसलसल जंग होती रहेगी तो ऑब्वियसली ये उस इलाके के लिए अच्छा नहीं होगा मुगल एम्पायर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुसलसल जंगों की वजह से मुगल एम्पायर वीक होता चला गया तख्त हासिल करने के लिए लोगों ने जो आपस में जंगें की उसकी वजह से मुगल एम्पायर को बहुत नुकसान पहुंचा और वो कमजोर होता चला गया ट्रेयरी एंड क्वालिटी ऑफ फाइटिंग फोर्सेस सफर यानी के जंगों की वजह से जो पैसे लगे जो सामान लगा और जो फौजी थे उन सब का नुकसान हुआ ऑब्वियसली जब आप एक जंग लड़ते हो तो उस पर पैसे भी बहुत लगते हैं बहुत सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, बहुत सा नुकसान होता है बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचता है इसके अलावा आपके फौजियों का भी नुकसान होता है बहुत से तो मर जाते हैं और बहुत से जख्मी हो जाते हैं और जिनके साथ ये दोनों काम नहीं होते वो थक जाते हैं लड़ लड़के कमजोर हो जाते हैं तो मुसलसल जंगों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था मोस्ट ऑफ दक्कन वॉज फाइनली दक्कन इज द नेम ऑफ अ प्लेस तो मोस्ट ऑफ इट वॉज फाइनली कॉन्कर्ड उस पे कब्जा किया जा चुका था जो के मुगल एम्पायर का हिस्सा था मराठास अंडर शिवाजी कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम। अब मराठे कौन थे वर हिंदू डोमिनेटिंग पावर बेसिकली वो हिंदूज थे हिंदुजम को फॉलो करते थे और उनका जो लीडर था शिवाजी, अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम कि वो मुसलसल प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था कहीं ना कहीं से हमला करता रहता था कहीं ना कहीं से अटैक करता रहता था जिसकी वजह से मुगल एम्प्र के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ही यूज ग्रीला वॉर टैक्टिक्स, मतलब जो मराठे हैं वो गरीला वॉर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते थे अब ये कौन सी टैक्टिक्स होती दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीला वॉरफेयर टैक्टिक्स इनमें कुछ ऐसा होता है कि आप पूरी फौज को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही डायरेक्शन से हमला करते हो आप डिफरेंट डायरेक्शन से हमला करते हो और डिफरेंट तरीकों से कहीं से आप बंदूकों से हमला करोगे कहीं आप वैसे ही लड़ झगड़ के लोगों को मार मूर के भाग जाओगे मतलब आप मुसलसल तंग करते हो जिसकी वजह से जो सामने वाली फोर्स है वो कमजोर हो जाती है वो लड़ लड़ के थक जाती है और फाइनली वो हार जाती है तो जो मराठे थे उन्होंने ये वॉरफेयर इस्तेमाल किए एंड दे वन मतलब वो ज्यादा थे उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में खुद को डिवाइड कर लिया और इस तरह बार बार हमला करते रहे जिसकी वजह से वो आखिरकार जीत गए औरंगजेब एंड हिज पॉलिसीज अब हम बात करते हैं औरंगजेब और उसकी पॉलिसीज की डिट मुस्लिम एंड स्ट्रिक्ट रूलर डिवोट मुस्लिम का मतलब है कि एक बहुत पक्का मुसलमान था और एक बहुत सख्त रूलर भी था His reforms upset many non-Muslims. और वो जो अपने एम्पायर में चेंजेस लेकर आया उसने बहुत से नॉन मुस्लिम को ना खुश कर दिया यानी कि उसने ये नहीं देखा कि मैंने हिंदुओं को खुश करना है अगर मैं हुकूमत में रहना चाहता हूं तो उसने वही किया जो मुसलमानों को खुश करे और जो एम्पायर के लिए अच्छा हो उसके बहुत से डिसीजन ने हिंदुओं को खुश नहीं किया लेकिन उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की ड्यूटी यानी उसने अपने बिलीव्स को सबसे ऊपर रखा और यही सोचता रहा कि भाई मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं और अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता

वो इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके लिए हकूमत करना मुश्किल था क्योंकि हकूमत करने के लिए आपका मजबूत होना जरूरी है आपका ताकतवर होना जरूरी है क्योंकि आपने एक बड़े एम्पायर पे हकूमत करनी है इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग एंड इट इज नॉट एट ऑल एन ईजी थिंग एम्पायर हैड बिकम वीक एंड पुअर डिस्पाइट द साइज यानी कि मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था लेकिन उसके बावजूद मुसलसल जंगों के बावजूद मुसलसल हमलों के बावजूद वो मुसलसल कमजोर होता जा रहा था वीक होता जा रहा था रूलर वॉज लेस एबल यानी कि जो भी अगला रूलर आता था वो पिछले से कमजोर होता था पिछले से कम ताकतवर होता था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वो कॉन्स्टेंटली गोइंग टूवर्ड्स वीकनेस Eventually, after 150 yani आखिरकार के बाद मुगल एम्पायर का खात्मा हो गया बहुत से हमले हुए बहुत सी जंगें लड़ी गईं और आखिरकार मुगल एम्पायर खत्म हो गया यानी yani की मुगल एम्पायर की हुकूमत खत्म हो गई स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डेट्स याद करने के लिए मैं आपके लिए एक टेबल बना दूंगी ताकि सारे चैप्टर की भी रिविजन हो जाए और आपको डेट्स भी अच्छे से याद हो जाए तो चलिए अब उस टेबल को देख लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत हमारी इस चैप्टर की रिविजन भी हो जाए फिफ्टीन टवेंटी सिक्स टू फिफ्टीन थर्टी रही बाबर की हुकूमत बाबर आई यू उसके बाद 1530 टू 1540 रही हमायों की हुमत हमायों कौन था बाबर का बेटा 1540 टू 1545 रही शेर शाह सूरी की हुकूमत अब शेर शाह सूरी कौन था आपको याद है ना मैंने आपको बताया था कि ये एक अफगानी था इसने हमायों की हुकूमत पे हमला किया था और हम से उसकी हकूमत ले ली थी 1545 फोर्टी टू फिफ्टीन रही इस्लाम शाह की हुत इस्लाम शाह कौन था इस्लाम शाह था शेर शाह सूरी का बेटा 1555 टू 1556 रही फिर से हम की हुमत फिर से हमायों की हकूमत क्योंकि क्यूँकि ने दोबारा हमला किया और अपनी हकूमत वापस ले ली। 1556 से 1605 तक रही अकबर की अकबर कौन था अकबर था हम का बेटा अब अकबर की हकूमत के बारे में कुछ खास बातें थी जैसे कि उसने दीने इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था जैसे कि उसने जिजिया टैक्स खत्म करवा दिया था और उसकी ज्यादा कोशिश थी कि हिंदू खुश रहे ताकि उसका दौरे हकूमत चलता रहे क्योंकि उसके दौरे हकूमत में ज्यादातर लोग हिंदू थे उसके बाद 1605 टू 1627 रही जहांगीर की हकूमत जहांगीर कौन था अकबर का बेटा फिर 1627 टू 1658 रही शाहजहान की हुकूमत शाहजहान किसका बेटा था जहांगीर का उसके बाद 1658 टू 1707 रही औरंगजेब की हुकूमत और औरंगजेब बेटा था शाहजहान का एंड फाइनली द मुगल एम्पायर केम टू एन एंड यानी औरंगजेब वाज ऑलमोस्ट द लास्ट मुगल एम्प्रायर टू रूल द मुगल एम्पायर उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड इट केम टू एन एंड तो इस तरह इस टेबल के थ्रू हमारी सारी चैप्टर की रिवीजन हो गई स्टूडेंट्स और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह